रविवार को रवीना टंडन के साथ मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया। एक्ट्रेस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। जी हां, उनके ऊपर कई सीरियस एलिगेशन लगे और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ गया। अब तक कुछ आधिकारिक बयान भी आ चुके हैं। वहीं अब रवीना टंडन ने अपनी चुप्पी भी तोड़ी है और मामले पर अपना पक्ष रखा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि रवीना टंडन को अरेस्ट किया जा सकता है। जी हां, बताया जा रहा है कि रवीना टंडन को अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुई। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। देखिए, कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो में जब कुछ लोग कहते हुए सुनाई दिए कि रवीना टंडन की ड्राइवर ने एक महिला को कार से टक्कर मारी है, इसके साथ ही एक्ट्रेस ने नशे की हालत में महिला के साथ हाथापाई भी की है। हालांकि थोड़ी देर में ही सच सामने आ गया। जी हां, रवीना टंडन के साथ हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके साथ ही सच भी सामने आ गया। वीडियो में कार से किसी को भी टक्कर लगने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई और रवीना टंडन पर लगे आरोप भी गलत साबित हुए। बता दें कि अब ये सारे मामले को जानने के बाद लोग दो टुक में बट गए हैं। जी हां, लोग दो टुक बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि रवीना टंडन क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, बड़े स्टार हैं, इसी वजह से आम लोगों को ये चीजें भुगतनी पड़ रही है। जिन लोगों के साथ में मारपीट हुई है उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और रवीना टंडन क्योंकि स्टार है इसी वजह से ये केस भी रफा दफा हो गया है। वहीं कई लोगों का ये कहना है कि रवीना टंडन बिल्कुल सही कह रही हैं, उन्होंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया और वो बीच बचाव के लिए उतरी थीं और उनका ये वीडियो गलत तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है, उन्होंने किसी को नहीं मारा। कुल मिलाकर के अब रवीना टंडन ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर मामले को लेकर आई खबरों को शेयर किया है। एक्ट्रेस ने मिड्डे समेत कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज को अपने इंस्टा स्टोरी में पोस्ट किया है। रवीना टंडन ने अपने एक्स अकाउंट पर भी घटना को लेकर पुलिस का आधिकारिक बयान शेयर किया है, जिससे कि लोगों को साफ हो सके कि वो कल्प्रिट नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वेल, अब आप बताइए इस पूरे खबर पर आपका क्या कहना है।